नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। अरुणा ईरानी ने अपने 6 दशक लंबे कैरियर में कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया। वो राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा तक के साथ नजर आईं। लेकिन हर स्टार के साथ उनका वर्क एक्सपीरियंस एकदम अलग रहा। अरुणा ईरानी ने लेटेस्ट इंटरव्यू में अपने दौर के एक्टर्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बताया कि राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा तक सेट पर और उनके साथ किस तरह पेश आते थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। अरुणा ईरानी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने जहां राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा की तारीफ की, वहीं अमिताभ बच्चन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। अरुणा ने कहा कि अमिताभ सेट पर किसी से घुलते मिलते नहीं थे और एकदम अलग रहते थे। वहीं राजेश खन्ना का दोस्ताना रवैया था, हालांकि सेट पर लोग उनसे डरा करते थे। अरुणा ईरानी ने कहा, अमित जी शुरू से ही अलग थलग रहते थे। वो सिर्फ अपने कमरे या अपनी वैनिटी वैन में ही समय बिताते थे। मैंने उन्हें कभी किसी से दोस्ती करते या बातचीत करते नहीं देखा। वहीं जब शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में पूछा गया तो अरुणा ईरानी ने बताया, मेरी उनके साथ कभी अच्छी दोस्ती नहीं रही, लेकिन हम कभी कभी बात करते थे। हालांकि हीरोइनों के साथ भी मेरा अच्छा तालमेल था। मुझे नहीं पता कि उन्हें मैं क्यों पसंद आई थी। अरुणा ईरानी और अमिताभ बच्चन ने साथ में कई फिल्में की, जिनमें मिली, बॉम्बे टू गोवा, साल 1971 में आई फिल्म संजोग में अरुणा ईरानी अमिताभ बच्चन और माला सिन्हा के साथ लीड रोल में नजर आई थीं। वहीं साल 2022 में अरुणा ईरानी ने अमिताभ बच्चन के बर्थडे पर फिल्म बॉम्बे टू गोवा का किस्सा याद करते हुए बताया था कि किस तरह उन दोनों को नाचना नहीं आता था और शूट कैंसिल करना पड़ा था। जब अमिताभ बच्चन रिहर्सल करके डांस करने आए तो सेट पर सबको हिदायत दी गई थी कि अमित जी कैसा भी नाचें, सबको वाह वाह बोलना है। अरुणा ईरानी ने बताया था, बॉम्बे टू गोवा के दौरान हम दोनों नए थे और बस कुछ ही फिल्में की थी हम दोनों ने, इसीलिए जब हमें फिल्म के लिए साइन किया गया तो हम दोनों ही उत्साहित थे। अमित जी कमाल के एक्टर हैं, लेकिन एक समस्या जिसका हमें सामना करना पड़ा वो थी डांस करना। हम दोनों को डांस करना नहीं आता था। मुझे याद है कि हमने देखा ना हाय रे गाने के पहले दिन की शूटिंग कैंसिल करवानी पड़ी थी और हम सभी अमित जी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि उस समय डांस कैसे किया जाता है। फिर अमित जी ने एक दिन तक गाने की रिहर्सल की और फिर अगले दिन हमने इसे शूट किया। अरुणा ईरानी ने आगे बताया था, दिलचस्प बात यह है कि शूट वाले दिन हमें यह भी कहा गया कि अमित जी जैसे भी नाचें, सबको वाह वाह ही बोलना है। हमें उनका हौसला बढ़ाने के लिए कहा गया और इस तरह हम सभी स्टार बन गए। दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।